हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हिंदी एडवाइस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस एक और लेटेस्ट वीडियो में गाइस, आज के इस नई वीडियो में बताने वाला हूँ एक और फ्रॉड करने वालों के नए तरीके के बारे में। आप में से बहुत सारे यूजर होंगे शायद जो इस तरीके के बारे में लोगों को मालूम होगा, बट यार कहीं ना कहीं आपका जो मोबाइल नंबर है ना उससे भी लोग फ्रॉड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा मोबाइल नंबर है जिसको आपने बैंक में किसी भी बैंक में उसको रजिस्टर्ड करा रखा है, ठीक है, चाहे वो इंटरनेट बैंकिंग के लिए हो, मोबाइल बैंकिंग के लिए हो, किसी भी तरीके से आपने उसको बैंक में रजिस्टर्ड करा रखा है, तो उस मोबाइल नंबर के जरिए भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। कैसे हो सकता है फ्रॉड, उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बता दूं, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे दबा देना और साथ में घंटी वाले बटन को जरूर दबा देना। ऊपर आई बटन पर आपको काफी सारे और भी वीडियोस मिलेंगे, उनको जाकर आप देख सकते हैं। काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की कोशिश मैं करता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेट मिले नए नए वीडियोस बनाने का। बिना किसी देरी के आपको बता दूं क्या है प्रोसेस और किस तरीके से ये लोग फ्रॉड करते हैं। देखिए, आपको अगर मैं बात करूं तो आगे आपको एक ऑडियो अटैच करके सुना रहा हूं, आप उस ऑडियो को सुनोगे तो बेसिकली सारा आपका जो भी क्लियर है डाउट वो हो जाएगा, ठीक है, डाउट जो भी है वो सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अभी बेसिकली होता क्या है, किस तरीके से फोन आता है थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता देता हूं, आगे आप ऑडियो सुनोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखिए, ये लोग क्या करते हैं, आपको फोन करेंगे, आपके पास जिस भी कंपनी का नंबर है, चाहे वो आइडिया का हो, एयरटेल का हो, वोडाफोन का हो या एक्स वाई जेड, किसी भी कंपनी का फोन हो और ये फोन नहीं सॉरी किसी भी कंपनी का सिम का नेटवर्क हो, और ये आपको फोन करके बोलेंगे सर आपके एरिया में नेटवर्क वीक आ रहा है या आपका जो नंबर है वो बंद होने वाला है, उसके रिक्वेस्ट को रीजनरेट करना पड़ेगा हमें। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार हाँ कल नेटवर्क सही नहीं आ रहा था, ये एक नॉर्मल सा इश्यू जो कभी कभी हर बंदे के साथ फेस करना पड़ सकता है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं इसका फायदा उठाते हैं ये लोग। अब ये लोग फायदा कैसे उठाते हैं, ये कहीं ना कहीं आपसे चाहेंगे एक मैसेज करवाने का, आपको ये फोर्स करेंगे किसी ना किसी वे में, चाहे वो ये कहेंगे कि आपका नंबर बंद होने वाला है, चाहे आपको कहेंगे कि इस नंबर पे आप रिक्वेस्ट जनरेट करो आपके नेटवर्क अच्छा आ जाएगा, कोई भी एक तरीका होगा जिससे आपको एक मैसेज करने के लिए बोलेंगे 1-to-1 पे। और बेसिकली मैसेज जो होता है वो किस लिए होता है मैं बता देता हूं आप सभी को, वो मैसेज होता है आपकी सिम को डीएक्टिवेट करने के लिए। अब यार आपकी सिम आप बंद करवाना थोड़ी ना चाह रहे हो, बट कहीं ना कहीं वो आपको ऐसा उल्टा पुल्टा ज्ञान देंगे, उसके बदले वो चाहेंगे कि आप अपनी सिम को बंद कर दें। और जैसे ही आप बंद करोगे ना, आपने वो मैसेज टाइप किया, विद इन 10-15 मिनट में आपकी सिम डीएक्टिवेट हो जाएगी और अगले 15 मिनट में आपकी वो सिम किसी और व्यक्ति के नाम पे किसी और डॉक्यूमेंट से वो कहीं और इश्यू हो चुकी होगी। ये फ्रॉड करने का तरीका है। अब ये लोग क्या करेंगे, उस सिम के जरिए आप अपने, उनके पास खूब अच्छा अच्छा डेटाबेस होता है, खूब सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनसे वो ट्रैक करके रखते हैं ऑलरेडी कि इसके पास कौन कौन से बैंक अकाउंट है और कौन कौन से बैंक अकाउंट में इस बंदे ने पहले से अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करा रखा है। तो आप लोग आगे इस ऑडियो को सुनो और समझो। और हेलो, गुड मॉर्निंग सर जी। सर मैं एयरटेल कस्टमर केयर से बात कर रहा हूँ सर, 9867-0640 आप ही का नंबर है ना सर ये जी? इस नंबर को बंद कराने की रिक्वेस्ट आई है सर, इसी कॉन्फर्मेशन के लिए कॉल किया गया है सर। नहीं, ये नंबर बंद नहीं होने वाला, इसी कॉन्फर्मेशन के लिए कॉल किया गया सर कि आपने आधे घंटे पहले कस्टमर केयर में कॉल करके ऐसी रिक्वेस्ट की है सर। नहीं सर, ऐसा कोई भी कंप्लेन मैंने नहीं किया है और मैं क्यों करूंगा सर अपना चालू नंबर बंद करने के लिए। इसी कॉन्फर्मेशन के लिए कॉल आया था सर, क्योंकि हाफ एन आवर बिफोर ये कॉल आया था कस्टमर केयर में तो 9860640 इस नंबर को बंद करवाने के लिए बोला गया कि ये बोला गया कि ये नंबर मेरा खो गया है, इसको इमीडिएटली बंद कीजिए। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी कॉन्फर्मेशन के लिए कॉल किया सर कि रिक्वेस्ट आप ही की तरफ से आई है, आपके नंबर के साथ किसी ने फ्रॉड करने की कोशिश की है सर। माइट बी फ्रॉड करने की कोशिश की होगी सर, ऐसा तो कोई भी नहीं हमारी तरफ से रिक्वेस्ट किया गया, ऐसी आपकी तरफ से कोई कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट नहीं की गई ना सर कि नंबर क्लोज कराने की? नहीं जी सर, यहाँ से जो रिक्वेस्ट आई थी रिक्वेस्ट यहाँ से कैंसिल कर दी जाएगी। ओके ओके, आपका नाम सर? जी, माई गुड नेम राजेंद्र शर्मा सर। राजेंद्र शर्मा फ्रॉम ब्रांच बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। ओके ठीक है। Yeah, now I have sent one SMS, sir. You have to forward this message to 1-to-1, sir. Airtel customer care number. Yeah, you have to send ये वही वाला है क्या सर? इससे पहले भी ये फोन आ चुका है। कब आई थी फोन आपको? हाँ सर, बहुत अच्छे लोग रहते हैं ये सब नंबर में। क्या? क्या अच्छे नंबर? एक मिनट खाली होल्ड करिए। सर ये मतलब आप लोग करते क्यों है, मेरे को ये नहीं समझता। इस मैसेज को 1-to-1 पे फॉरवर्ड कीजिए सर। हाँ सर, मेरे को जवाब दीजिए ना सर। यस, टेल मी, आप लोग ऐसा फ्रॉड करते क्यों है, इंसान को परेशान क्यों करते हैं? ना आप एयरटेल से बात कर रहे हैं, ना आप एयरटेल से बात कर रहे हैं, बराबर?
आप एयरटेल से तो यार। बात नहीं कर रहे हो है ना? कहाँ से बात की अच्छी बोल दिया। आपको, आपको कितना दिन पहले कॉल आया था? अरे सर वो छोड़ दीजिए, कितने दिन पहले कॉल आया था, आप मेरे को सच्ची बताइए, आप एयरटेल से बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, बोलिए। नहीं कर रहे ना? क्यों करते हैं सर ऐसा, मेरे को बताएंगे आप? क्यों परेशान करते हैं इंसान को, कुछ फायदा होता किसको है इससे? परेशान? हम्म, कुछ फायदा फायदा होता है तो होता इससे? है। क्या फायदा होता है सर? मैं एक जेन्युइनली खाली एक आंसर जानना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को आपका नंबर दूंगा या कंप्लेन करूंगा। हम लोग भी रोजा रमजान में रहते सर, परेशान होते हैं, आप लोग भी परेशान होते हैं, क्यों ऐसा नहीं, करते हैं इसमें सर? बहुत फायदा है, फायदा है, फायदा है, इसीलिए तो बोलना। क्या फायदा है सर? चलिए ठीक है, वो तो आपका अपना पर्सनल प्रॉब्लम है, क्या फायदा है वो आपको आप ही इससे पहले बेहतर कितने दिन जानते पहले हैं कॉल आया था? सर। ये तो हम परेशान हो गए सर, ऐसे नंबर से कॉल आ रहे हैं हमें, प्लस उसके बाद मैसेज आता है, मतलब इसलिए ऐसे ना चाहता था आपको वन टू वन फॉरवर्ड करने के लिए बोल रहा था ना। बराबर सर बराबर जी। अरे इसमें क्या होता है कि अभी जैसे तुम मैसेज को फॉरवर्ड करता ना, नहीं उस बार फॉरवर्ड किया था क्या? ना सर, इसके लिए तो हमने आपसे पूछे। ये बोले यार मैसेज को ये तुम फॉरवर्ड करता, मेरा बात जी सुनो, इस मैसेज को तुम फॉरवर्ड करता ना जी जी वन टू वन पे, जी उधर से कि रिप्लाई वन का एसएमएस आता कस्टमर, जी जी वो रिप्लाई वन करते तो आपका नंबर बंद हो जाता अरे इसकी तो फिर आदमी और वो नंबर परेशान, आईटी। नंबर चालू ही नहीं होएगा, ऐसा हो जाता है, हाँ नंबर चालू ही नहीं होगा फिर। नहीं, नंबर चालू होगा, वो नंबर आपका नंबर मेरे पास आ जाएगा, 3 घंटा के अच्छा बाद मैं समझ आपका नंबर गया, मेरे हाँ पास, हाँ 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 फिर मेरे आपका नंबर, वो नंबर आप हाँ यूज कर नंबर लेंगे ऐसे। मैं यूज करेंगे। अगर आपका आईसीआईसी बैंक में अकाउंट है या फिर किसी बैंक में अकाउंट है तो आपका पैसा गया। अरे बाप रे, चलो ठीक है सर क्या करें, लेकिन मैं सही पकड़ा बराबर। हाँ चलो ठीक है सर, थैंक यू। नहीं, अगर आपको इससे पहले अगर कॉल नहीं आता ना तो आपको नहीं गारंटी, आप यार, तो मैसेज मैं नहीं फॉरवर्ड कर पकड़ देते पाता क्योंकि था बराबर, आप सही बोले सर। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मेरा आवाज उसका आवाज में बहुत अंतर होगा। हाँ अंतर तो है उसमें, बराबर बोले आपने, धन्यवाद सर। नहीं मैं बोल दिया एग्जैक्टली, अगर नेक्स्ट टाइम अगर जान लिए नहीं, हमें नेक्स्ट टाइम में समझ कोई, में तो आ ही गया वो, इसके लिए हमने आपसे सामने से ही पूछ लिया ये चीज। नहीं मैं बोल दिया कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन मालूम है इसलिए मैं आपको डायरेक्टली बोल दूं कि ऐसा ऐसा होता धन्यवाद है। अगर मान धन्यवाद लीजिए सर। अभी तो आपका आईसीआईसी बैंक में अकाउंट है, यहाँ से मैं पता किया हूँ आपका तो अकाउंट है ही है, तो वहां आप से भी सच अपने को, आप बोलिएगा लोग को है ट्रैक हो जाता है वो चीज ना। बराबर। यहाँ से हम लोग ट्रैक करते हैं कि आईसीआईसी बैंक में जिसका अकाउंट है उसका नंबर चेक करते हैं, एयरटेल का बराबर। नंबर हुआ तो रिप्लेस करते हैं डायरेक्टली, यूजर आईडी जो होता है आईसीआईसी बैंक का वो पासवर्ड डायरेक्टली अपना मोबाइल पे लॉगिन करते हैं और जी अमाउंट जितना मिल रहता है जाता है उसमें से ट्रांसफर हो निकल जाती है। जाता है बराबर बराबर। सही है सर सही है, चलो ठीक है नेक्स्ट सर टाइम में कभी, धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम में बिल्कुल कभी भी भी नहीं। कॉल आएगा अपना कार्ड वार्ड नंबर कभी शेयर नहीं करना है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मेरे कार्ड को नंबर अच्छा चाहिए लगा टेलीफोन सर आया था सामने कभी। से आप बता दिए, तो बहुत से लोग कहते हैं गलती हो जाती है उनसे। हाँ नहीं कभी कभी कॉल आया था कि एटीएम के लिए, एटीएम का नंबर सर बोलिए आया इस। था इससे पहले भी बहुत से फोन आए, मतलब वही लिंक अप रहता है ना सबका फोन नंबर, वही हिसाब से फिर मिल जाता है आप लोग को डिटेल उसमें से, नहीं एक सॉफ्टवेयर होती है, सॉफ्टवेयर में उसके नंबर थ्रू डालोगे हो तो जाता लिंक है। बता दे, बता देगा कि कौन कौन सा बैंक में लिंक है। जी। ये तो सिस्टम का ही प्रॉब्लम है ना, हम लोग का इसमें तो कोई नहीं प्रॉब्लम ही नहीं नहीं है, वो बात सिस्टम भी सही है, अपना इंडिया ही अब ऐसा हो गया, क्या करे यार। अगर सिस्टम में अगर तुम पूरा ओपन दे दोगे तो आदमी फ्रॉड तो करना चाहेगा इजीली ही हो ही चाहिए। जाएगा, और सबसे आसान हो गया ना भाई ये आज के तारीख में, बहुत इजी हो गया, हाँ तो कुछ ओपन नहीं मार्केट आजकल है से ये, सिर्फ, ओपन मार्केट है हाँ पूरा। सिर्फ अगर हम ओके अगर हम उसका मोबाइल नंबर से अगर उसका पूरा पैसा भी अपने अकाउंट में ले लेते हैं तो सर। कितना इजी है, सोचिए कितना इजी गरीब है इस काम बंजर हो को। जाएगा यार, ऐसा मत करो यार, किसी अगर आपको हम का आपका सिम पैसा रिप्लेस है करते हैं यार, अगर, किसी के घर में मम्मी डैडी बीमार है, उसका पैसा आदमी संभाल के रखा है, फिर ऐसा वो चले तो जाए ना, वो है आदमी की तो लेकिन जमीन के नीचे अगर से दुनिया ही हट जाएगी यार। नहीं अभी जैसे आपका नंबर रिप्लेस कर लेते हैं, जी जी अगर आपका पैसा हम निकाल लेते हैं तो आपका जरा सा भी डाउट नहीं होता कि पैसा जब आप बैंक जाते हैं या फिर एटीएम मशीन जाते हैं पैसे निकालने के लिए, उसमें आपको पता चलता है कि मेरे अकाउंट में पैसा निकला है। जी बराबर बराबर क्योंकि बोले अभी आप। तो अगर अभी आपका नंबर बंद तो आपको तो ध्यान सिर्फ रहता कि मेरा सिम कैसे बंद हो गया, क्या कर दिया, आपका ध्यान टोटली आपका जो माइंड ऑफ है वो आपको टाइटली आपको सिम पे ध्यान देगा।
एयरटेल पे नंबर पे बराबर से आपको बराबर। फिर बैंक अकाउंट से फिर कोई आपको डिटेल्स तो उसमें माइंड अप उसमें आपका जाएगा ही नहीं। बिल्कुल सही बोले आपने भाई, चलिए इसलिए धन्यवाद टोटली आपने आपको उसमें माइंड बताया अप है यार। उसमें आपको वो नंबर पे ही जाएगा। धन्यवाद धन्यवाद भाई। ठीक है सर। हाँ अभी आपका रमजान चल रहा है क्या? हाँ सर रमजान चल रहा है यार। ठीक है, बात आपसे धन्यवाद बात सर करके अच्छा जानकारी लगा के लिए, थैंक यू सो मच सर। सर। हमको मत बोलिए क्योंकि हमको बैंक मैनेजर नहीं रियल में थोड़े रे हैं। भाई लेकिन आपने मेरे को जानकारी दी वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना दोस्त, दोस्ती बोल सकते हैं क्योंकि तो बहुत कितना से एज लोग तो हुआ आपका, बताते भी नहीं है आप समझे। कितना एज हुआ आपका? अपनी एज तो सर 35 हो ही गई है घसीट के। आपकी एज कितनी है सर? 18 20। मेरा 19 है। आई शाबाश सही है। अपना ये ज्यादातर कॉल्स लेकिन बिहार साइड से ही होता है। बिहार में होता है, झारखंड से होता है, हाँ बिहार वाला नहीं है झारखंड से, आपका? क्योंकि अपने भी दोस्त अहबाब है जो झारखंड के हैं। वही कहाँ के हैं झारखंड झारखंड? में शायद ये टाटा नगर के करीब कौन सा पड़ जाता है यार? जमशेदपुर। हाँ जमशेदपुर, बराबर बोले आपने। धन्यवाद मतलब क्या सर। करते हो, करते क्या अपना क्या आप? छोटा मोटा सा कारोबार है सर, साइकिल की बिजनेस? दुकान है अपनी। धन्यवाद सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक ठीक है, नंबर सेव कर ले, कोई भी कभी काम होगा तो फोन करेंगे। ठीक है यू। श्योरली श्योरली सर, श्योरली। थैंक ठीक यू है। सर, थैंक यू सर, थैंक। तो आई थिंक जिन लोगों ने भी इस ऑडियो को पूरा कंप्लीट सुना होगा उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा इस ऑडियो के माध्यम से। कि हाँ पहली बात तो मेरे को मालूम है कि आप सभी एक्टिव यूजर हो आज की डेट में, सभी लोग इंटरनेट चलाते हो, तो इन चीजों के बारे में अवेयरनेस हो। बट यार कहीं ना कहीं मैं चाहूंगा कि यार इस वीडियो को आप शेयर करो दोस्तों के साथ ताकि आप कहीं ना कहीं एक जो देखिए प्रॉब्लम उन लोगों को होती है देखिए जिनके साथ या तो वो उनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है या उनको आधी अधूरी नॉलेज है। आज भी मैं ऐसे लोग देखता हूं जब मैं एटीएम पे पैसे विड्रॉ करने जाता हूं तो कभी ना कभी मैंने ऐसे लोग देखे हैं हर दूसरे तीसरे दिन जब भी विड्रॉ करने गया हूं तो कोई ना कोई एक बंदा ऐसा बोलता है भैया मुझे एटीएम से पैसे निकालना है आप हेल्प कर दोगे। तो उन लोगों के साथ में फ्रॉड होता है और कहीं ना कहीं जो जानते हैं ना उनके साथ ही कभी ना कभी फ्रॉड हो सकता है। तो यार आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक बोलते रहिए मेरे साथ जय हिंद वंदे मातरम।